हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन नेवी के जो जॉब्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। जो ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स जॉब होती हैं, जो इंडियन नेवी में जो जॉब होती है, अगर आप सेलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेलर की जॉब के लिए जो है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन इंडियन नेवी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप वहाँ पर जाके कोई भी नया कोई रिक्रूटमेंट होती है या कोई भी जॉब्स निकलती है वो इनकी वेबसाइट पे पहले आपको दिख जाती है। उसके अलावा कुछ नहीं करना, आप कैरियर्स एंड जॉब पे जाएंगे, उसमें आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं, एम आई एलिजिबल, कि मैं किस पोस्ट के एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। ऑफिसर्स के लिए आपको पता है एग्जीक्यूटिव, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एजुकेशन और मेडिकल, ये सारी जॉब्स होती हैं। अगर आपने सेलर के लिए अप्लाई करना है तो सेलर के लिए भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। आप देख सकते हैं आर्टिफिशर अप्रेंटिस के लिए, SSR के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, म्यूजिशियन के लिए। तो आपको जो भी आपको कैटेगरी जिसमें आप एलिजिबल हैं, जैसे अगर आपने सेलर के लिए अप्लाई करना तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। सेलर के अप्लाई के लिए उसको आपको जो ये पेज निकलता है इसमें आपको सारा कुछ जो है सेलर के बारे में बताया जाता है कि आपको 22 वीक की ट्रेनिंग मिलती है एक बार आपका सिलेक्शन होने के बाद से, और आपको डिफरेंट डिफरेंट टीम से भेजा जाता है। एजुकेशन के लिए आपको अच्छा है कि आगे आपको जॉब के साथ साथ आपको एजुकेशन का भी मौका मिलता है। और इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 मैथ्स फिज़िक्स, क्योंकि टेक्निकल है तो इसमें आपको मैथ फिज़िक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कोई भी एक होना चाहिए। अब जो रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस जो इसका आता है वो देख लीजिए आप। रिटन एग्जामिनेशन का सेक्शन ए में जो है और सेक्शन बी, दो ही हैं इसके पेपर। एक साइंस एंड मैथमेटिक्स का कम्बाइंड पेपर आता है, एक जनरल अवेयरनेस का आता है। ठीक है, साइंस और मैथमेटिक्स का पेपर ये हो गया नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स अप्लायंस, ये सिलेबस है। फिर फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो भी आपने 10+2 तक जो भी साइंस और मैथमेटिक्स में पढ़ा वो सारा का सारा है। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, वर्क टाइम, ये सारे सारा मैथमेटिक्स हो गया। मेंशुरेशन के क्वेश्चंस आते हैं, जियोमेट्री के क्वेश्चन हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन मोड के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इसमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन होते हैं, एल्जेब्रिक एंटिटीज होती है, लीनियर इक्वेशंस के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, पॉलीनोमियल्स, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन होते हैं। ये सारा का सारा जो है आपका जो है साइंस और मैथमेटिक्स में कवर होता है। फिर आपका जो दूसरा पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस का है। इसमें क्या है कि आपको जो जैसे मनोरमा ईयर बुक आती है आप उसको अगर पढ़ें तो आपको करंट अफेयर्स का सारा कुछ आ जाता है उसमें। हिस्ट्री, डिफेंस, वॉर्स, नेबर्स, अवार्ड्स, जो जो लेटेस्ट चल रहा है अवेयरनेस, वो सारा का सारा आपको जो है इससे तैयार करना पड़ता है। इसके लिए साइंस और मैथमेटिक्स का तो एक सिलेबस हो गया। जनरल अवेयरनेस में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इन पर्टिकुलर हेडिंग के अनुसार कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको अगर तैयारी करनी है तो आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको ध्यान रहना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको तैयारी करनी है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी दिया है। जो टोटल टाइम जो इन्होंने दिया है वो 45 मिनट्स का टाइम है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 होते हैं, ठीक है, जो कि आपको 45 मिनट्स में करना होता है। आप देख लीजिए कि इसका आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम है। इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए और आपको जो है पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए उसके बाद, तभी हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये है आपकी OMR शीट जो कि आपको एग्जामिनेशन में जाके भरना है। आप देख सकते हो OMR शीट में, देखो नेम पूरे ब्लॉक में लिखना है, और ये जो कोड्स होते हैं इसको बड़े ध्यान से भरना होता है। अगर इसमें से अगर ये प्रॉपर ब्लैक नहीं हो, इसमें इन्होंने बताया भी है कि किस तरह से ब्लैक, क्योंकि ये OMR शीट होती है, इसको जो है स्कैनर इसको रीड करता है, इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसीलिए आप इसको प्रॉपर तरीके से भरें एक एक चीज़ को। अगर ये चीज़ गलत कर दे तो आपका एग्जामिनेशन भी कैंसिल है, क्योंकि इसके बेस पर आपका रिजल्ट रिजल्ट सब आना है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये है आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 10 मैन कैन मेक ए वॉल इन 8 डेज, हाउ मेनी मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ डे। ये जो
अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए आप आर के शर्मा की बुक आती है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी हैं, आप देख सकते हैं कि ये सारे सिंपल मैथमेटिक्स के हैं। जैसे मीडियन का क्वेश्चन हो गया, मीन का क्वेश्चन हो गया, देन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 15, इसके रूट क्या क्या बनेंगे, देन रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल ऑफ साइड एंड द थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल। आपको जो भी है उसमें जो आपका सिलेबस था उसके सारे क्वेश्चन जो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये आपको पूरे फॉर्मूले जो है ट्रिग्नोमेट्री के आने चाहिए अगर आपको ये सॉल्व करना है तो। ये देखिए आप, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच के एक्स प्लस 3 वाई माइनस के प्लस 3 इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज, आपको जो है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके तब जाके होगा ये जो है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आपने ये आपका सिलेबस है साइंस एंड मैथमेटिक्स का, आपने एक एक करके एक एक टॉपिक उठाना है, उसके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने, फिर दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक, ऐसे करके आपने साइंस एंड मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक को कवर करना है, उसी तरह से जनरल अवेयरनेस के टॉपिक को। क्योंकि आपको ये पता है कि इसमें क्या है, टाइम जो है सिर्फ कम है, 45 मिनट्स का टाइम है, 50 क्वेश्चन करने हैं। इसमें क्या है कि पहला टेस्ट है रिटन टेस्ट, अगर आपने रिटन टेस्ट पास करते तब जाके आप फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में जाते हैं, उसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड पे जाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको जो है प्रॉपर एक एक टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज हो, तब जाके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें और सारे सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर हैं, बट बेसिक ये है कि अगर आपको कुछ भी नेवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसमें आपको हर किसी ग्रेड के आपको बताया जाएगा कि उसमें क्या क्वेश्चन पेपर है, क्या सिलेबस है, कब डेट आ रही है। एज ऑफ SSR जो कैंडिडेट है उसका 17 से 21 साल तक होता है। आपको कोई भी इससे क्वेरी हो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे मैंने आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले वीडियो डालूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।